चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, यू ऑल आर हैविंग अ वंडरफुल डेज ऑफ योर लाइफ एंड टाइम। और आज मैं करने वाली हूँ क्या, हाँ आज मैं करने वाली हूँ स्किन केयर रूटीन शेयर। ड्राई है ना, मतलब मेरी तो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, इतनी ड्राइनेस रहती है कि अभी तक ये सोचो कि मतलब मैं अभी तक सोच रही थी कि क्या यूज़ करूँ क्या यूज़ करूँ। सोचना मीन्स की लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं, सारे टोनर्स, बहुत सारे मॉइस्चराइजर, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी, पर मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला उनसे कि हाँ भैया मेरी स्किन अब ठीक, मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब प्रॉपर हाइड्रेट है, मॉइस्ट है। एक दो घंटे के लिए लगता है कि हाँ ठीक हो गई है, बट उसके बाद फिर से वही सेम ड्राइनेस, स्पेशली विंटर्स। समर्स में तो ये है कि चलो फिर भी चल जाता है एक बार, विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो मुझे मेरे परफेक्ट प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं जो कि मैं अभी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जिसकी भी स्किन ड्राई है या उन सब के जो होते ना बहुत ज़्यादा ड्राई होती है कि आपको इचिंग होने लगता है, पैचेस स्ट्रेच होने लगती है, बहुत ज़्यादा खिंची खिंची सी लगती है। तो और थोड़ा सा ना कुछ ज़्यादा ही ड्राइनेस की वजह से वो क्या होता है ना, ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जैसे जल नहीं जाता, हल्का सा स्किन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ही रफनेस और बहुत अजीब सी हो जाती है। उनको मेरी भी ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, पर मैं उसको इतना ड्राई नहीं होने देती हूँ कि ऐसी कुछ नौबत आए, ठीक है। तो मैं वही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिसकी भी ड्राई स्किन है उन सब के लिए है। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स तो ऑब्वियसली उनकी स्किन भी थोड़ा बहुत ड्राइनेस तो रहता ही होगा, बट जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई है उन लोगों के लिए तो ये परफेक्ट काम करेगा। क्योंकि मुझे अभी मतलब प्रॉपर जो मैं चाहती थी, जैसे प्रोडक्ट्स मैं चाहती थी, मुझे वो फाइनली मिल गया है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। समर्स में भी मेरा काम करता है, विंटर्स पर क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वो मैं आपको अभी सब एक्सप्लेन करती हूँ कि कितना क्वांटिटी समर्स और कितना क्वांटिटी विंटर्स में हमको लेना है इसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, नहीं तो लाइक हुआ ना, हाँ लाइक कर लो मेरा वीडियो कर लेना, और सब्सक्राइब भी कर लेना, और कोई कमेंट करना हो तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा क्लेंजिंग, ये सेटअपल का क्लेंजर है। अगर आपने मेरी और भी वीडियोज़ देखी हो तो आपने देखा होगा कि हमेशा से मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सही है यार। मतलब मुझे खुद को बहुत सॉफ्टनेस फील होती है अपने स्किन पर, मुझे बहुत बहुत जेंटल लगता है। मतलब जब भी मैं छूती हूँ, मतलब फेस वॉश करती हूँ, मुझे पहले फिर भी हल्का फुल्का कहीं दाना या कुछ थोड़ी रफनेस फील होती थी, पर अभी बहुत स्मूथ लगता है, लाइक बेबी स्किन। तो मुझे ये वाला मुझे मॉइस्चराइजर क्लिनजर बहुत पसंद है, ठीक है। सेटाफिल का आपको लिंक्स में सारे शेयर कर दूँगी, आपको जो भी लेना है ले सकते हो। उसमें और भी बहुत सारे आते हैं, ये जेंटल स्किन क्लिनजर है, ये सभी बॉडी आज मुझे क्या हो गया यार, ये सभी स्किन टाइप के लिए है, ठीक है। ड्राई, ऑयली, कोई भी स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं शेयर कर दूँगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ऑयली स्किन वालों के लिए भी है, ठीक है, क्लिनजर। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिनजर के बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है टोनर। सेकंड स्टेप है मेरा टोनर। टोनर है मेरा मिनिमलिस्ट का, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा सेकंड बॉटल है टोनर का, और ये एक बॉटल आराम से मेरा 3 मंथ्स चल जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारा तो लेना नहीं होता, इसके कुछ फ्यू ड्रॉप्स लेने होते हैं, ठीक है। और अभी विंटर स्टार्ट हुआ है तो विंटर में ज़्यादा ड्राइनेस होता है। सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात मुझे इस टोनर की ये लगती है कि ये स्किन को, जैसे हम अदर टोनर अप्लाई है वो सूख जाते हैं, एकदम मुझे ड्राइनेस वाला फील आता था, बट इसको लगा के ना मेरी स्किन ड्राई सूख जाता है, एब्जॉर्व कर लेती है स्किन इसको, लेकिन ये मुझे उसके बाद भी ना मतलब ड्राई नहीं लगता। ये सेकंड टाइम है मैंने यही, अब मेरा ये फेवरेट हो चुका है, अभी मैं यही ऑर्डर कर रही हूँ। मैं इसका रिव्यू भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। आप मेरा इस पर पूरा डिटेल रिव्यू है, आप जाके देख लेना क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, मैंने प्रॉपर बताया हुआ है, ठीक है। और इसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मिनिमलिस्ट का ट्रांसपेरेंट स्किन केयर, और ये टोनर मुझे PHA 3% प्लस बायोटिक टोनर, ठीक है, बहुत सही टोनर है ये। मैं इसको सेकंड बॉटल है ऑलमोस्ट, मतलब मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं, फोर मंथ्स हो गए। फर्स्ट बॉटल 3 मंथ्स चला था, तो ऑब्वियसली इसका ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, मुझे 5 मंथ्स हो गए इसको यूज़ करते हुए। एंड द थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, ठीक है, थर्ड वन क्या रहेगा हमारा, रहेगा सीरम, ठीक है, सीरम। तो ये है मेरा मिनिमलिस्ट का, ये मैंने अभी ऑर्डर किया है, मुझे अभी जस्ट 1 मंथ ही हुआ होगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा है ये सीरम। मैंने अदर्स भी ट्राई किया है, विटामिन सी, रेटिनॉल, एक दूसरा वाला भी था, मुझे उसका ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा, वो भी अच्छा था, बट अभी मैं ये ट्राई कर रही हूँ तो मुझे ये भी अच्छा लगा है। और ये है मेरा मिनिमलिस्ट का रेटिनॉल 0.3% प्लस Q10, ठीक है। तो ये भी सीरम बहुत सही है, और सबसे अच्छा है ना कि ये भी मतलब ये स्किन को लगाते ना खुद फील होता है कि स्किन कितनी अच्छी लग रही है, मतलब कि प्लम्पी प्लम्पी ना, मतलब एकदम सूखी हुई सी पिचकी हुई नहीं लगती, लगता है कि हाँ। और मॉर्निंग में तो आपको लगता है यार उठ के कि हाँ भैया स्किन हल्का सा ग्लो रहता है फेस पे विंटर्स में भी, क्योंकि अच्छी खासी ही ठंड हो गई है शुरू। बस ये है कि अभी ओवरकोट्स नहीं निकले हैं, बट वैसे ठंड है, ठीक है, बस दोपहर में थोड़ा सा धूप रहती है तो वेदर ठीक रहता है, बस मॉर्निंग में और इवनिंग में तो अच्छी खासी ठंड रहती है, ठीक है। तो फिर ये हो गया, और हाँ ये मैं अभी नाइट केयर का बता रही हूँ, क्योंकि ये जो आपका रेटिनॉल वाला जो सीरम होता है, विटामिन सी और रेटिनॉल, ये सारे के सारे हम लोग रात में ही यूज़ करते हैं, डे में कभी भी यूज़ नहीं करना। और जब आप लोग ये सीरम्स यूज़ कर रहे हो नाइट में,
तो मॉर्निंग में आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है, सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर ऐड करो अपने स्किन केयर में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप डे टाइम पे मतलब मॉर्निंग में अगर आपको सीरम यूज़ करना है, मतलब ड्राइनेस आप चाहते हो, तो ये गुड वाइब्स का है सीरम, ठीक है। ये है हमारा रोज़ हिप का रेडियंट ग्लो फेस सीरम। ये मैं काफ़ी टाइम से लास्ट टाइम भी मैंने यूज़ किया था, अभी भी मेरे पास मैं यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में, मुझे ज़्यादा ड्राइनेस फील होता है। अदरवाइज मेरा जो सनस्क्रीन है, मैं क्या करती हूँ दोनों स्टेप करके अपना क्लिनजिंग और अपना टोनर यूज़ करने के बाद मैं डायरेक्टली, अगर मुझे ज़्यादा ड्राइनेस फील नहीं हो रही, क्योंकि मैंने जैसा बोला आपको कि जो टोनर है वो भी बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट रखता है मेरा, जो मेरी मल्स का टोनर है, तो मुझे कभी कभी मुझे इतना ड्राइनेस नहीं फील होता, तो मैं सीरम नहीं यूज़ करती और मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाती, मैं डायरेक्टली सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ। सनस्क्रीन ये है मेरा बायोटेक का सैंडलवुड, जो मैं 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये बहुत सही लगता है, बहुत लाइट वेटेड है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, मतलब बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। सैंडलवुड है तो ऑब्वियसली यार चंदन की खुशबू थोड़ी सी अच्छी लगती है, ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मॉर्निंग में मैं सिर्फ क्लिनजिंग और टोनिंग करने के बाद, मतलब कि टोनर यूज़ करने के बाद, मैं डायरेक्टली सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ अगर मुझे ड्राइनेस नहीं लगती। अगर मुझे ड्राइनेस लगती है तो मैं अपना ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप, मैं रोज़ हिप का एक दो ड्रॉप सीरम अप्लाई कर लेती हूँ डायरेक्टली, ऐसे पंप कर लो, ठीक है, स्किन पर, उसके बाद उसको फिंगर से अप्लाई कर लो और उसके बाद मैं अपना ये वाला सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, तो मेरा ये डे केयर का जाता है। अभी मैं जो आपसे करने वाली हूँ, जो स्टेप बाय स्टेप आपको सामने करके दिखाऊंगी, वो मैं नाइट केयर का है। तो बस यही है कि मॉर्निंग में मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ, नाइट में तो सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो अभी हम लोग क्या लगाएंगे, मॉइस्चराइजर। में देखो लास्ट विंटर्स मैंने ये वाला यूज़ किया था, ये मेरा है न्यूट्रीडर्म का, ठीक है, ये वाला बहुत ही सही मॉइस्चराइजर है। इससे भी आपको, मतलब कि इसमें विटामिन ई भी है, ठीक है, ये 125 ml की ट्यूब है, मैंने इसका भी रिव्यू शेयर किया था, ठीक है, वो भी देख सकते हो आप, बहुत सही है यार। इसको भी लगाने के बाद बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होती, मुझे अच्छा लगा था, ठीक है। अभी मैंने मैं सर्च कर रही थी, क्योंकि मैं सेटाफिल का क्लिंजर यूज़ करती हूँ, तो आई थॉट कि चलो सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज़ करी जाए, क्योंकि इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, सो आई थॉट कि चलो ट्राई करते हैं। 80 ग्राम का ट्यूब है और ये 80 ग्राम का ट्यूब आई थिंक आया है 450 something का है, ये 80 ग्राम का ट्यूब, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है, स्किन को बहुत हाइड्रेट रखता है। इसकी क्वांटिटी मैं आपको सब बता दूँ कितना कितना लेना है अभी। तो चलिए, मैंने अभी सब एक्सप्लेन कर दिया कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ अपने नाइट केयर में और क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ ऐड कर सकते हो अपने मॉर्निंग स्किन केयर में, वो भी मैं मॉर्निंग का भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगी कैसे कैसे करना है। तो अभी हम नाइट का कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी स्किन को मॉइस्ट करना है, हल्का सा वेट करना है, क्योंकि हमें अभी स्किन क्लीन करनी है अपनी, ठीक है, हम क्लींजर यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने अपनी स्किन हल्के से वेट कर ली है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं अब मैं देखो सेटाफिल का जो है मैं इसको लूँगी, कितना, 2 pumps, 1, 2, तभी आ गया है ना, देखो कितना लिया है। आपको मेकअप रिमूव करना है, ये मेकअप के लिए भी बेस्ट है, ठीक है, इसको हल्का सा, इसमें कोई झाग वाग नहीं होते हैं, ठीक है, आपको हल्का सा ऐसे ऐसे रब करना है, ठीक है, बहुत ही लाइट, ज़्यादा हार्श नहीं, ठीक है, कभी धू करके रब कर दो एकदम से, नो धू धू, ठीक है, ऐसे आराम से करो क्लीन उसको, ठीक है, और आप इसको नेक पे भी कर सकते हो और आईज पे भी। मैंने ये कर लिया अभी अपना फेस वॉश, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डैप ड्राई। मैं कुछ भी लेती हूँ, मैं टाल मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कॉटन के टाल जो होते हैं ना वो यूज़ करूँ, हम इनको गामछा भी बोलते हैं, अंगूछा भी बोलते हैं, ठीक है, तो मैं ये ही यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत सॉफ्ट लगता है स्किन पर, ठीक है, तो ये तो हम डैप ड्राई करेंगे अच्छे से। मैंने ड्राई कर लिया डैप ड्राई, अब हम टोनर अप्लाई करेंगे। टोनर में क्या है, देखो ये ऐसा बॉटल आता है, ठीक है, इसमें कोई पंप नहीं है, इसमें कोई स्प्रे नहीं है, आप चाहो तो उसको स्प्रे बॉटल में डाल सकते हो, ठीक है, मैं मतलब जो मैं करती हूँ वो आपको बता रही हूँ, मैं ऐसे करके इसके एक दो ड्रॉप, ठीक है, बस 3 drops, 4 drops आर सफिशेंट। सही लगता है अप्लाई करने में, करती हूँ, आप मैंने बोला जैसे कि आप चाहो तो उसको स्प्रे बॉटल में भी डाल सकते हो, अगर आपको स्प्रे करना है तो स्प्रे कर लो, तो मुझे ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको नेक में भी अप्लाई करो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बजाय क्योंकि नेक की भी केयर करनी है, नेक की स्किन और फेस की स्किन ये नहीं है कि अलग अलग हो, नेक की भी केयर करो। मैं फेस अप्लाई करने वाली हूँ सीरम, ठीक है, ये है मेरा जो मैंने बताया आपको मिनिमलिस्ट का रेटिनॉल वाला 0.3% प्लस Q10, ठीक है, डाल दूंगी आप वहाँ पे जाके, ठीक है, इतना लिया है मैंने, यहाँ पे मैं ड्रॉप 1
to दिख रहा होगा आपको। अब मैं इसको हल्के हल्के हल्के, ठीक है, नो रबिंग एट ऑल। वाओ, एक तो उसकी खुशबू नहीं है और जो उसकी कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ही अच्छी है, वाटरी है, बहुत इजीली पेनिट्रेट होता है और एक आपको ना थोड़ा सा ऑयल वाला फीलिंग भी देगा, मतलब कि ऐसा वाला नहीं कि आपको चिपचिप लगे, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, शाइन एक अलग ही आती है फेस पे से, आप खुद ही देखो एक अलग ही ग्लो आ रहा है इससे फेस पे अप्लाई करने के बाद भी और मॉर्निंग में उठने के बाद, मैंने खुद नोटिस किया है, मुझे तो बहुत सही लगा है ये। और जो चीज़ें मुझे सही लगती हैं वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सही है यार ये, मैं सॉरी सीरम भी मैं प्रॉपर पूरा अप्लाई करती हूँ अपने नेक पे भी और अपने एयर्स पे भी बैक साइड में, ठीक है, अच्छे से ही अप्लाई करती हूँ। मैं अप्लाई करने वाली हूँ उस पर मॉइस्चराइजर, मुझे अभी इस पर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको दिख रहा होगा कितना शाइन आ गया है। मैं फिर भी मैंने कहा ना मैं इसलिए बहुत ड्राई है तो मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि है लॉन्ग लास्टिंग इंटेंस हाइड्रेशन फॉर डेली यूज नॉन ग्रेसी नॉन इरिटेटिंग वॉन्ट क्लॉक पोर्स, ठीक है, तो और क्या चाहिए, ठीक है, आप इसको यूज़ करो। तो अभी मैं इसको लेने वाली हूँ, देखो मैंने यहाँ पे इसको ज़्यादा नहीं लिया है, मैंने थोड़ा सा लिया है, पूछो क्यों, मैं बताती हूँ इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे टोनर और मिनिमलिस्ट का जो मैंने सीरम अप्लाई किया है मुझे मेरी इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब मुझे अच्छी हो जाती है, मतलब प्रॉपर हाइड्रेट हो जाती है, मुझे खुद को ड्राइनेस बिल्कुल फील नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा कम लिया है क्योंकि ये मॉइस्चराइजर भी बहुत अच्छा है, ठीक है, स्किन को एकदम। और मैं इधर इधर क्यों अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ये वाला जोन है ना ये मेरा बहुत ड्राई रहता है, इसलिए मैं मैक्सिमम अपनी मूछों पे और अपने ये चिक्स ये मेरे बहुत ड्राई जा रहे हैं, तो ये बहुत ही सही वाला ग्लो आ गया है फेस पे और मॉर्निंग में भी ऐसा ही रहता है। खुद सोचो सब सुबह उठ रहे हो सोकर और आप देख रहे हो फेस आपका कितना ग्लो कर रहा है तो कितना अच्छा लगेगा, है ना, ऐसे ही आजकल मुझे भी फील हो रहा है। क्रीम अप्लाई करने के बाद आप चाहो तो 2-3 स्टेप्स कर सकते हो मसाज के, तो ये नक्कल मसाज जो होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 1, 2, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 जो मैं करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 जो मैंने आपके 2-3 स्टेप्स बताए हैं ये भी बहुत अच्छे रहते हैं ग्लो के लिए, आप करो इनको भी, क्योंकि होता है कि प्रॉपर फेस पे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ब्लड फ्लो होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि इन 2-3 स्टेप्स में ऑलमोस्ट पूरा आपका फेस की अच्छे से हो जाती है मसाज, ठीक है। आप इसकी आपकी जो स्टेप्स हैं आप उनको इंक्रीज कर सकते हो, 5 की जगह 10 कर लो, जैसा भी आपके पास टाइम है या वो है। ये मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी हम लोग हरी में होते हैं, मतलब टाइम नहीं होता, तो जल्दी जल्दी ये अपना इतने इतने स्टेप्स कर रेडी टू बैक। तो आई होप मैंने जो आपको बताया स्किन केयर रूटीन आपको अच्छा लगा होगा, जो लोगों की ड्राई स्किन है डेफिनेटली उनके लिए वर्क करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, सो बाय बाय, स्टे हेल्दी वेल्दी एंड ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।